हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 का विज्ञान का त्रैमासिक परीक्षा का पेपर देखेंगे। इसमें जो पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनिए। लोहे चूर्ण पर तनिक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर क्या होता है? तो पहला वाला उत्तर सही हो जाएगा। इसमें Fe2AI Al2O3+2Fe, इसमें कौन सी अभिक्रिया? वियोजन अभिक्रिया हो जाएगी। अगला इसका देखते हैं, कोई विलयन लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है, इसका संभवता मान कितना हो जाएगा? 10। इसमें क्या हो जाएगा? HCl इसमें एंटेसिड हो जाएगा। इस वाले में टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है, ये हो जाएगा। सातवां देख लेंगे, सातवें वाले में जो होगा जिंक की परत चढ़ाकर, आठवें वाले में कैल्शियम होगा। ये दूसरा सही जोड़ी बनाइए। पहले का Fe सिल्वर का, Ag लेड का, Pb सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, सोडियम क्लोराइड का NaCl, सोडियम कार्बोनेट का Na2CO3, ये बुझा हुआ चूना का हो जाएगा CaO। जो दूसरी तरफ लिखा हुआ कैल्शियम कार्बोनेट, ये हो जाएगा हमारा चूना पत्थर का। रिक्त स्थान देख लेने हैं, हमें ये रिक्त स्थान दिए गए हैं। पहले में उत्सर्जन, दूसरे में जाइलम, तीसरे में यूरिन, चौथे में पत्ती के, पांचवें में डाइऑप्टर, छठवें में सीधी और सातवें में ध्वनि लिख देंगे। एक वाक्य में उत्तर बताना है। किसी कार्य के अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण का प्रकार बताना है, तो ये अवतल दर्पण हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा? उत्तल लेंस हो जाएगा। ये वाला देख लेंगे, इसमें समतल हो जाएगा। दूसरे वाले में, चौथे वाले में रुधिर और लसिका हो जाएगा। पांचवें में भोजन का परिवहन, छठवें में ऊष्मा अवशोषी, सातवें में वियोजन अभिक्रिया। ये पांचवें से हम क्रमशः सभी प्रश्न देख लेना है हमें। ये है हमारा पाँचवा प्रश्न, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? छठवां है ये, सातवां देख लेंगे। आठवां प्रश्न ये है हमारा, जो नौवां है, लोहे को जंग से बचाने के लिए दो तरीके। दसवां हमारा ये है, ग्यारहवां बारहवां ये देख लेंगे। तेरहवां देख लेना है हमें, ये तेरहवां है। चौदहवां पंद्रहवां ये, 16 17 ये हमारा जो है, 18 19 ये, 20 21 ये हमें लास्ट प्रश्न देख लेना है, 22।